हाय अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम 27 इयर्स के हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज और यूनिट में डिवाइडेड है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है, और ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो यूनिट है वो हमारी कितने टोटल 4 सीरीज में डिवाइडेड है। तो आज की जो वीडियो है हमारी ही, इस वीडियो में हम आज फर्स्ट सीरीज के एशियन हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से हमने सन 1995 से लेकर के आज 2020 तक के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन कल के क्वेश्चन के रिव्यू के साथ। तो कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो पहला क्वेश्चन ये था कि भारत भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, जैनिज्म के से। दूसरा क्वेश्चन हमारे ये था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें ये बताना था कि जो भविष्य के बौद्ध कौन है, जो हमारे वर्ल्ड को आकर के क्या करेंगे, फ्यूचर में आके सेव करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि मैत्रेय। तीसरा क्वेश्चन ये था कि हमें ये बताना था कि ट्रेडिशन को उसके स्टेट से हमें क्या करना था, करेक्टली मैच करना था। तो जो हमारा पहला है, तो पहला है हमारा चपचार कुट फेस्टिवल मिजोरम, दूसरा था हमारा कॉन्जुम परवा बलाड मणिपुर, और तीसरा था हमारा तंगाता डांस यानी कि सिक्किम। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा ऑप्शन सी है सिर्फ तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो तंगा और ता का मीनिंग क्या है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। चौथा क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से ये बताना था कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। पहला ऑप्शन ए चंदूहोत्रो, ऑप्शन बी था कुट डेजी, ऑप्शन सी है सोहा गौरा, और डी है हमारा दे सलपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस राहत मूर्तिकाल शिलालेख में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ राइनो अशोक का उल्लेख देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कनगनहल्ली। छठा क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं फोर्स लेवल विशिष्ट के संदर्भ में, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था कि इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था और लोगों द्वारा भुगतान किया जाने वाला ये एक कर था। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा था कि गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और कठियावाड़ क्षेत्रों में से पूरी तरीके से अनुपस्थिति था। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा था कि साप्ताहिक मजदूरी के हकदार के रूप में मजदूर थे। और चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मजदूर के बड़े बेटे को मजबूरन मजदूर के रूप में भेजा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है तो विशिष्ट के संदर्भ में सही है। सातवा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मंदिर निर्माण साम्राज्य में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो हमें ये बताना था तो किसकी विशेषता थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि विजयनगर की। आठवां जो क्वेश्चन था हमें ये इसमें ये बताना था कि भारत के सांस्कृतिक ऐतिहासिक के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही वर्णन करता है, तो किसका, तो परमित का। तो हमारा पहला यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए था वो ये कहता है कि प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए थे। बी स्टेटमेंट हमारा ये कहता है दार्शनिक स्कूल जो वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा सी स्टेटमेंट था कि सिद्धियां जिनकी प्राप्ति बौद्धत्व पथ की ओर ले जाती है। और डी स्टेटमेंट था हमारा प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिणी भारत के शक्तिशाली व्यापारी सन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि सिद्धियां जिनकी प्राप्ति बौद्धत्व ग्रंथ की ओर से ले जाती है। हमारा जो नौवा क्वेश्चन था वो ये था कि प्राचीन भारत के विद्वानों यानी साहित्यकारों का संबंध हमें किसके समय में देखने को मिला था। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि जो पाणिनि का संबंध था वो पुष्य
मित्र सुंग से देखने को मिला था। हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो अमर सिंह का संबंध था वो हर्षवर्धन से देखने को मिला था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा केवल सी, यानी कि हमारा सिर्फ तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है तो सही था। और 10वां जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें ये हमें एक क्राफ्ट को हेरिटेज साइट से क्या करना था, करेक्टली मैच करना था। जो पुथुकुली सॉल्ट हमें तमिलनाडु से देखने को मिलता है। दूसरा कहता है जो सुजनी कढ़ाई है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और तीसरा कहता है जो उपदा जमादानी है वो कर्नाटका से संबंधित है। तो इसका जो और राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है तो वो सही है, यानी कि जो हमारा पहला मैच है वो सही है। हमारा जो 11वां क्वेश्चन था वो ये था कि हमें ये बताना था कि जो हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है किससे महायान बौद्ध से रिलेटेड, उसका कौन सा फीचर सही है, यानी कि कौन सी उसकी विशेषता रही है। तो पहला जो कहता है वो कि ये कहता है कि डेफिकेशन ऑफ द बुधा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ट्रेडिंग ऑफ द पाथ ऑफ बुद्धिस्तवाज। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट कहता है इमेज वर्शिप एंड रिटल्स। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि हमारे तीनों ही क्या थे, महायान बुद्धिज्म से करेक्टेड करेक्ट इसके फीचर्स थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि कौन सा हिस्टोरिक इवेंट इंडिया में पहले देखने को मिला था, यानी कि हमें इसको क्रोनोलॉजिकल के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। पहला जो है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो महेंद्र वर्णन के अधीन पल्लव महेंद्र ओ सॉरी महेंद्र वर्णन प्रथम के अधीन पल्लव शक्ति की स्थापना हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि चोल प्रातंक प्रथम की स्थापना। और चौथा स्टेटमेंट कहता है पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका पहले ऑप्शंस देख लेते हैं जिसको हमें किस में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल के ऑर्डर में हमें लगाना है। ऑप्शन ए है हमारा दूसरा पहला चौथा तीसरा। ऑप्शन बी है तीसरा पहला चौथा दूसरा। ऑप्शन सी है हमारा दूसरा चौथा पहला तीसरा। ऑप्शन डी हमारा तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा कौन सा क्रोनोलॉजिकल से करेक्टली है तो हमारा दूसरा चौथा पहला तीसरा, यानी कि जो महेंद्र वर्णन है वो महेंद्र वर्णन प्रथम है वो कब आए, उनका जो इवेंट हमें कब से कब देखने को मिलता है तो 590 से 630 ईसा पूर्व में देखने को सॉरी हमें ईस्वी में देखने को मिलता है। और जो गोपाल के द्वारा जो प्रतिहारों की स्थापना की गई थी, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि गोपाल के द्वारा पल वंश की स्थापना की गई थी तो वो कब की गई थी, तो 750 ईस्वी में हमें राजा भोज प्रतिहार 1836 से 885 ईस्वी तक देखने को मिला था। और जो तीसरा जो प्रांतक प्रथम चोल की स्थापना कब देखने को मिली थी हमें 1907 से 1953 ईस्वी में देखने को मिला था। इसलिए हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्यांश है, यानी कि हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हुंडी की प्रकृति को सही परिभाषित करता है, जिसे आमतौर पर हर्षकार के एक स्रोत के संदर्भित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है यानी कि जो स्टेटमेंट ए है हमारा वो ये कहता है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी एक सलाह। हमारा दूसरा यानी बी स्टेटमेंट कहता है दैनिक खातों के लिए रखी जाने वाली एक डायरी। सी स्टेटमेंट कहता है विनिमय का बिल, यानी कि जो भी विनिमय प्रोडक्ट किया जाता था उसका एक बिल। और हमारा डी स्टेटमेंट कहता है सामती स्वामी के अपने अधीन अस्थों को एक आदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हुंडी एक नोट है जो किसी व्यक्ति द्वारा जमा की गई
राशि का रिकॉर्ड रखता था। जमा की गई राशि ही का अन्य स्थान पर अभिलेख प्रस्तुत कर दावा किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल अप्पा और द्रोणप्पा शब्द किस चीज को दर्शाती है, यानी कि जो जो हमारा हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो ये जो दो शब्द देखने को मिलते हैं हमें कुलियप्पा और द्रोणप्पा, वो शब्द किस चीज को दर्शाती है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ये है कि भूमि का माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ लैंड। दूसरा ऑप्शन कहता है हमारा जो डिफरेंट टाइप्स की जो क्वाइंस होते हैं उनकी वैल्यू। ऑप्शन सी हमारा कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड यानी कि शहरी भूमि का वर्गीकरण। और हमारा जो डी ऑप्शन है वो कहता है धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जो भूमि का जो मापन था वो गुप्त काल में प्रयुक्त विभिन्न शब्द जैसे कि विभिन्न अभिलेखों में वर्णित है। बंगाल से कुलियप्पा द्रोणप्पा और अधप्पा और पटाका शब्द देखने से संबंध यानी कि इन इन शब्दों का संबंधित किससे था, तो भूमि के मापदंड से था। और जबकि मध्य भारत में निर्वाचित और भूमि, पश्चिम भारत से निर्वर्तन और पदवर्तन शब्द किस चीज के लिए संबंधित किया जाता था, तो भूमि का मापन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि जो निम्नलिखित में से किस शासक ने इस शिलालेख के माध्यम से अपने प्रजा को सलाह दी थी कि जो कोई भी अपने संप्रदाय का प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय का अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों को अपने संप्रदाय का एक मही मानदंड करने के लिए दोषी ठहराता है, वह अपने संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से घायल करता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है हमारा अशोक के द्वारा यह शिलालेख में कहा गया था, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी है कृष्ण देव राय के द्वारा कहा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अशोक के द्वारा अपने शिलालेख में ये बातें कही गई थी। तो अशोक का जो धम्म है जिसमें सभी संप्रदायों के में सदा सहनशीलता की बात की गई है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अशोक का धम्म यानी कि अशोक के द्वारा ही अपने शिलालेख में ये सारी बातें कही गई थी। आज का जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में हमें क्या करना है, इसको फेमस प्लेसेस को क्या करना है, उसको प्रेजेंट स्टेट से हमें क्या करना है करेक्टली मैच करना है। तो हमारा जो पहला है वो पहला जो है यानी कि पहला जो मैच हमारा वो ये कह रहा है कि जो भीलसा है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम पे, और दूसरा कह रहा है हमारा जो द्वार समुद्र वो महाराष्ट्र से मैच किया गया है, और तीसरा कह रहा है गिरिनगर गुजरात से और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ हमारा पहला और तीसरा करेक्टली मैच है, ऑप्शन बी है हमारा सिर्फ पहला और चौथा करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी है हमारा दूसरा और तीसरा करेक्टली मैच है, ऑप्शन डी है हमारा दूसरा और चौथा करेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि हमारा पहला और तीसरा ही क्या है करेक्टली मैच है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि जो वो हमारा भीलसा है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से क्या है करेक्ट है। मध्य प्रदेश में सुंगवंश और उदयगिरी गुफाओं का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, मुख्य केंद्र था जिसे हम उड़ीसा के उदयगिरी से भ्रमित से कंफ्यूज नहीं हो सकते। और जो दूसरा हमारा था जो गिरिनगर था वो हमें गुजरात में देखने को मिलता है, इसलिए हमारा पहला और तीसरा मैच क्या था करेक्ट था। जबकि जो हमारा तीसरा था यानी कि जो
स्थानेश्वर था वो उत्तर प्रदेश में नहीं जबकि हरियाणा में स्थित है। जो हमारा पुष्प भूति विधा की जो मुख्य सीट यानी कि जो हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में हमें मूल रूप से स्थानेश्वर के साथ स्थानेश्वर के थे जिन्होंने जिन्होंने बाद में कन्नौज में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। और चौथा जो करेक्टली चौथा में हमारे क्या मिस्टेक है, जो द्वार समुद्र है वो महाराष्ट्र में नहीं जबकि कर्नाटका में स्थित है। द्वार समुद्र जिसे हेलबिट के नाम से भी जाना जाता है, ये होयसल वंश के शासक थे। तो हमारा जो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए यानी कि हमारा सिर्फ पहला और तीसरा ही मैच क्या था तो करेक्ट था। आज का जो छठा क्वेश्चन है उसमें हमें यह बताना है कि जो प्राचीन भारत में गुप्त वंश की अवधि के संदर्भ में घटाशाला कटुरा और चौल नगरों के रूप में किसे जाना जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कहता है कि जो विदेशी यानी कि जो फॉरेन कंट्री से जो ट्रेड हुआ करता था उस बंदरगाह को यानी कि उस पोर्ट को। दूसरा और हमारा ऑप्शन बी कहता है कि शक्तिशाली राज्यों की कैपिटल। और हमारा जो ऑप्शन सी है वो ये कहता है जो उत्कृष्ट पत्थर कला और वस्तुकला के स्थान। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जो उन्मूलन द्वारा जो पुर्तगालीन पश्चिम भारत के तटीय क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए चौल से लड़ाई कर रहे थे। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पोस्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज का जो सातवां सवाल है वो ये है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो हमें इसको क्या करना है, इन्हें करेक्टली पेयर क्या करना है, करेक्टली पेयर मैच करना है। तो हमारा जो पहला है परिव्राजक त्यागी और पथिक, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमारा श्रमण यानी उच्च पद वाला पुजारी, और डी कह रहा है यानी तीसरा कह रहा है उपासक बौद्ध धर्म का अनुयायी रखाव। तो इसका जो राइट है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा सिर्फ पहला और दूसरा करेक्टली मैच है। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा पहला और तीसरा करेक्टली मैच है। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा दूसरा एंड तीसरा करेक्टली मैच है। और हमारा जो चौथा है वो कह रहा है हमारा तीनों ही करेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि हमारा क्या है, तीनों ही करेक्टली मैच है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यानी कि जो वैदिक काल में कर्म कांडो और यज्ञों पर बहुत बल दिया जाता था। इस प्रकार से अत्यधिक कर्म कांड ने श्रम धर्म के रूप में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी जिसने वेदों के दायित्व उत्पत्ति और बलिदानों को क्या किया था, बहुत उसको प्रभावकारिता का विरोध किया था। श्रमण जाति और पंथ के बावजूद सभी लोगों से भ्रमित किए गए थे। उनके शिक्षक वैदिक विरोध और ब्राह्मण विरोध थे। उन्हें वैदिक शिक्षा और वैदिक अनुष्ठानों को चुनौती दी थी। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और जबकि श्री नारायण गुरु परिव्राजक सत्य की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर रहे थे, भटक रहे थे। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, तो सही हो गया। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी कि हमारे से पहला ही और तीसरा स्टेटमेंट क्या था तो सही था। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आंसर भी पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत था तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कट गया, तो हमारे पास राइट आंसर क्या बचा, ऑप्शन बी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें हम एक नोट से देख लेते हैं तो इसमें एक और शैववाद और वैष्णववाद और दूसरी और बौद्ध और जैन धर्म के श्रमिक संप्रदायों के बीच संघर्ष के शुरुआती उदाहरण पल्लव काल के दौरान ही हमें देखने को मिलते हैं। ये रहा इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आज का जो मतलब आठवां जो क्वेश्चन है वो ये था कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में
विभूति हिस्तमल्ला और अक्षमेश्वर प्रसिद्ध थे, मतलब किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए है हमारा जैन भिक्षु, ऑप्शन बी है नाटककार, ऑप्शन सी है मंदिर आर्किटेक्ट और ऑप्शन डी है हमारा दार्शनिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नाटककार के रूप में ये सब क्या थे, तो प्रसिद्ध थे। यानी कि जो हमारा कृष्ण रेड्डी है उनकी बुक में कालिदास, वान, अरे भभूति और अन्य लेखकों का उल्लेख है जिन्होंने गुप्त उत्तर और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पर क्या किया है, तो टिप्पणी किया है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभूति हिस्तमिल्ला और अक्षमेश्वर नाटककार का लेखक है। विभूति जो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्याकुब्ज में रहते थे, तो उनकी 3 जीवित नाटक मालती और माधव, द डेज ऑफ द ग्रेट हीरो, यानी कि महावीर महावीर चरित्र है, और द लेटर डेज ऑफ राम, यानी कि इसका मतलब जो था उत्तरा मार्ग कारिता है, रोमिला रोमिला थापर लेखकों की भभूतियों हिस्तमिल्ला और अक्षमेश्वर के बारे में उल्लेखित करता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा नवा क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए कहता है वो ये कहता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो भागोड़ा नदी की घाटी में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सांची का स्तूप चंबल नदी की घाटी पे स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो पांडु लीना गुफा तीर्थ नर्मदा नदी की घाटी पर स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि जो अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि विकल्प ए हमारा क्या है सही है। यानी कि जो वो अजंता की चट्टानों को काटकर बनाई गई क्या है, महाराष्ट्र में एक गुफा है जो औरंगाबाद जिले में अजंता गांव के पास घाबोरा नदी की घाटी में स्थित है। विकल्प मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो सांची वेदना नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी भी गलत था। क्यों? क्योंकि जो पांडुलीना गुफाएं गोमी नदी पर स्थित प्राचीन रॉक कट मूर्तियां परिसर है। जो पांडु लेनी गुफा को नासिक गुफाओं तीर्थकर लेकिन 5 पांडव या पांडव लेनी जैन गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी नासिक गुफाओं को दिए गए पांडव लेनी नामक का महाराष्ट्र महाकाव्य के पात्रों में पांडवों पात्रों से कई कोई लेन देन नहीं है। विकल्प डी भी हमारा गलत है क्योंकि जो अमरावती स्तूप है वो कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है। आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इनमें से ये बताने कि कौन सा कथन सही है। यानी कि जो हमारा मुरैना के पास स्थित 64 योनि मंदिर है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासक काल के दौरान बनाया गया एक गोलाकार मंदिर है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह भारत में बना एकमात्र गोलाकार मंदिर है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देना था। चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि इसके डिजाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया कि यह एक भारतीय संसद भवन के पीछे प्रेरणा थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि हमारा सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी कहता है हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी कहता है सिर्फ हमारा पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी कहता है हमारा दूसरा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा सिर्फ पहला और चौथा ही स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है।
यानी कि जो हमारा कच्छ घाट राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित गोलाकार मंदिर है। राजा देवपाल ने इसे 14वीं शताब्दी में बनवाया था। योगिनी शक्ति पूजा का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि वैष्णववाद का। अन्य गोलाकार मंदिर का निर्माण किया गया, जैसे कि बिहार में मनियार मठ। तो इसलिए जो हमारा इस राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि हमारा सिर्फ पहला और चौथा स्टेटमेंट क्या था तो सही है। आज का जो 11वां क्वेश्चन है वो ये, इसमें हमें ये बताना है कि जो निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा एक बांधों की श्रृंखला बनाकर एक जुड़े जलाशयों में जल को प्रवाहित करने करके जल संचयन और प्रबंधन की वित्तीय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि हमें इसमें यह बताना था कि जो हमारा हड़प्पा कल्चर यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें कौन से साइट पे हमें एक प्रसिद्ध जल निकास प्रणाली देखने को मिली थी और बांध से रिलेटेड हमें देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए है हमारा धोलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी है रोपड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि धोलावीरा। धोलावीरा किस चीज के लिए फेमस था? तो वह अपने जल निकास प्रणाली के लिए जाना जाता था। और जो हमारा दूसरा नहरों से घिरा हुआ था, मूल निवासियों ने प्रभावी जल प्रबंधन के लिए बांध बना लिया था। जलाशय बराबरी और नहर का निर्माण किया गया था। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि धोलावीरा। आज का जो हमारा 12वां क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो गुप्त वंश के पतन से लेकर के 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्षवर्धन के उदय तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर भारत में सत्ता पर कब्जा था। तो ऑप्शन मतलब पहला है हमारा मगध के गुप्त, दूसरा है हमारा मलबार के परमार ऑप्शन, और तीसरा है हमारा थानेसारी की पुष्य बूटेस, चौथा है हमारा देवगिरी के यादव, पांचवा भी हमारा देवगिरी के यादव ही है, और छठा जो है हमारा बल्लवी के मैत्रक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसका। और इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें करेक्टली बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है हमारा पहला, दूसरा, पांचवा, ऑप्शन बी है पहला, तीसरा, चौथा, छठा, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा एंड चौथा, और ऑप्शन डी है हमारा पांचवा और छठा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि हमारे सिर्फ पहला, तीसरा, चौथा, छठा ही क्या है तो करेक्ट है। तो यानी गुप्त के बाद और हर्षवर्धन के उदय से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजवंश सत्ता में आए थे। देवगिरी के यादव मध्यकालीन भारत में गए, 10वीं शताब्दी में मालवा के परपाल सत्ता में आए। इसलिए जो हमारे पास जो राइट आंसर बचता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो बचता है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा 13वां क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताने की जो यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी। तो उसमें हमें करेक्टली मैच करके बताना है। तो पहला है हमारा बुर्ज होम रॉकट तीर्थ स्थल, दूसरा हमारा चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा, तीसरा हमारा गानेश्वर तांबे की कलाकृतियां। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, हमारा ऑप्शन ए है कि सिर्फ हमारा पहला ही करेक्टली मैच है, ऑप्शन बी हमारा पहला दूसरा करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी हमारा सिर्फ तीसरा करेक्टली मैच है, ऑप्शन डी हमारा दूसरा तीसरा करेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा ही क्या है तो करेक्टली मैच है। यानी कि इसमें रॉकट साइन नहीं था। बुर्ज होम एक नवपाषाण स्थल है जो गड्ढे वाले आवासों के लिए जाना जाता है। गानेश्वर जो है हमारा त्राम पाषाण संस्कृति स्थल यानी कि IBC के समकालीन में देखने को मिला था। और जो यह बंगाल में स्थित चंद्र केतुगढ़ यानी कि तांबा लगाने के लिए जाना जाता था। मौर्य काल के बाद का स्थल टेराकोटा की मूर्तियां और छवि के लिए जाना जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का जो चौथा
आज का जो चौथा क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि कौन मतलब जो एशियन हिस्ट्री इंडिया की एशियन हिस्ट्री के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट क्या है तो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो मिताक्षरा था वो उच्च जातियों के लिए नागरिक कानून था और जबकि दया भाग निचली जातियों के लिए नागरिक कानून था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मिताक्षरा प्रणालियों के लिए पुत्र पिता के जीवन काल के दौरान संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था जबकि दया भाग प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हमारा मिताक्षरा प्रणाली में केवल एक परिवार के पुरुष सदस्यों के पास ही संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित था जबकि वो दया भाग प्रणाली एक प्रणाली के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों से संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित था। तो इसका जो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी कहता है हमारे से दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी कहता है हमारे दोनों स्टेटमेंट पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी कहता है हमारा सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है सही है। मिता कसरा विजेश्वर द्वारा संकलित यह एक यजवल्क्य स्मृति पर एक भाष्य था जो कल्याणी चालुक्य के विक्रमादित्य छठवें के दरबार से संबंधित था। इस पुस्तक में हिंदू परिवार के उत्तराधिकारों के कानून के बारे में विवरण किया गया है। तो इसलिए जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एशियन हिस्ट्री का आज कंप्लीट सीरीज वीडियो जिसमें हमने सन 1995 से लेकर के 2021 तक के ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हमने इसमें डिस्कस किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही वीडियो सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कल से जो हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी वो फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ही दूसरी सीरीज यानी कि मिडिवल हिस्ट्री की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।